भदोही में एक परिवार में शादी की खुशी उस समय मातम में बदल गई जब परिवार की दो लड़कियां गंगा में नहाने के दौरान डूब गईं। घटना गोपीगंज कोतवाली इलाके के बेरोजपुर गंगा घाट की है, जहां बेरोजपुर गांव निवासी राजेश दुबे के बड़े भाई के लड़के की कल शादी थी। उनके घर पर रिश्तेदारों की भीड़ लगी हुई थी। वहीं सुबह 6 लड़कियां गंगा घाट पर नहाने गईं। इस दौरान राजेश दुबे की 18 साल की बेटी और उनके एक रिश्तेदार की बेटी जो कि 20 साल की थी, वाराणसी के बावतपुर इलाके से शादी समारोह में आई थी, गंगा में डूब गईं, जिससे गांव में हड़कंप मच गया। आनंद फानन में ग्रामीणों ने पुलिस को सूचना दी। नाम है आपका? पवन मिश्रा है। क्या घटना घटी है भैया? घटना ये घटी है कि बीरजपुर घाट में दोनों 4-6 लोग आए थे नहाने के लिए साथ में, लेकिन दोनों दो लोग बुड़ रहे थे, बचाने चक्कर में दोनों बुड़ गए और हम आए साथ लेकिन बचा नहीं पाए। क्योंकि घर में शादी वगैरह भी थी, शादी कल थी, कल शादी थी, लेकिन बारात भी अभी नहीं आई थी, अभी दुल्हन भी। क्या पहचान हो पाया इनका? पहचान ये बनारस के थे, एक बीरजपुर के थे। सूचना मिलने के बाद पुलिस और गोताखोरों की टीम मौके पर पहुंची और आसपास के गंगा घाटों से भी गोताखोरों को बुलाया गया। हालांकि लड़कियों की तलाश में पुलिस और गोताखोर जुटे हुए हैं, लेकिन अभी तक लड़कियों का कुछ पता नहीं चल पाया। भदोही से महेश जायसवाल की रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी।